हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैंक मेरे यूट्यूब चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों न्यूजीलैंड कंट्री के रिलेटेड। अगर आप भी आने वाले टाइम में न्यूजीलैंड में आप ट्रैवल करना चाहते हैं, वहां का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे न्यूजीलैंड कंट्री के रिलेटेड। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब का उन्हें जरूर दबा दें। और अगर आप वर्ल्ड की किसी कंट्री का भी अगर आप टूरिस्ट वीजा या फिर आप स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं दोस्तों न्यूजीलैंड कंट्री के रिलेटेड। जब भी आप न्यूजीलैंड का टूरिस्ट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं, आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो मिनिमम आपके 6 मंथ होना काफी जरूरी है। मैं आपको यही रिकमेंडेड करूंगा भी आपके जो पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो मिनिमम कह सकते हैं 1 साल की आपकी हो। उसका यही रीजन है जो न्यूजीलैंड जो कंट्री है, जब वहां का जो आप टूरिस्ट वीजा अप्लाई करते हैं तो वो आपको 1 साल का टूरिस्ट वीजा प्रोवाइड करती है। तो जब आपके पासपोर्ट की अगर वैलिडिटी 6 मंथ है तो आपके वीजे की जो वैलिडिटी है वो भी 6 मंथ होगी। तो अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 1 ईयर की है तो आपका जो वीजे का जो वैलिडिटी है वो भी आपकी 1 साल की होगी। तो इसलिए मैं आपको यही मैं सजेस्ट करूंगा जब भी आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई करें, आपके पासपोर्ट की जो वैलिडिटी है वो मिनिमम 1 साल की हो। वैसे तो अगर आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी 6 मंथ की है तब भी आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड की सबसे जो खास बात ये है भी वो आपको 1 साल का जो ई वीजा प्रोवाइड करती है एक पेपर के टाइप पे, और उस ई वीजे पर आप न्यूजीलैंड में जाकर 9 मंथ तक आप वहां पर स्टे कर सकते हैं। 9 मंथ ओनली आप स्टे कर सकते हैं, ना कि आप वहां पे वर्क कर सकते हैं। और न्यूजीलैंड जो है वो स्टेकर वीजा प्रोवाइड नहीं करता आपको पेपर के टाइप में, जैसे ऑस्ट्रेलिया कह सकते हैं आपको। मैं एग्जांपल के तौर पर दिखाता हूं, जैसे ये ऑस्ट्रेलिया का वीजा है वैसे सेम यू भी एक ऐसा वीजा प्रोवाइड करता है पेपर के टाइम में ई वीजा। तो वैसे ही आप ऐसे ही आपको न्यूजीलैंड भी एक वीजा प्रोवाइड करता है जिसे ई वीजा कहते हैं। तो जिस वीजे पर आप न्यूजीलैंड में जाकर 9 मंथ तक स्टे कर सकते हैं। और दोस्तों न्यूजीलैंड का जो वीजा है आप घर बैठे ऑनलाइन आप खुद अप्लाई कर सकते हैं, जैसे आप ऑस्ट्रेलिया कनाडा का वीजा अप्लाई करते हैं इसका भी सेम प्रोसेस है। जब आप न्यूजीलैंड का अपना वीजा अप्लाई करते हैं ऑनलाइन तो उसकी जो एम्बेसी फीस है वो भी आप ऑनलाइन सबमिट कर सकते हैं। और इसकी जो एम्बेसी फीस का अगर हम कॉस्ट की बात करें तो टोटली इसकी जो कॉस्ट आती है एम्बेसी फीस तो वो आती है $145। जो एक्स्ट्रा इसके साथ जो कुछ टैक्स का चार्जेस लगते हैं, तो टोटली हम टैक्स की बात करें, टोटली हम कॉस्ट की बात करें तो ये आती है $155। तो न्यूजीलैंड के वीजे की जो कॉस्ट है वो तकरीबन $155 और $160 है। जब आप न्यूजीलैंड का ई वीजा अप्लाई करते हैं ऑनलाइन, अपनी फाइल सबमिट करते हैं, आफ्टर कह सकते हैं 20 डेज से 40 डेज के अंदर आपका जो वीजा है वो आपकी ईमेल पर सेंड कर दिया जाता है। अगर हम बात करें सबसे जो सरल तरीके से, तो आज के टाइम में जो कंट्री वीजा प्रोवाइड कर रही है वो न्यूजीलैंड। और उसका क्या रीजन है? उसका जो मेन रीजन ये है कि न्यूजीलैंड में कोई भी जाकर जो अनलीगल वहां पर ना तो कोई रह सकता है और ना वहां पर वर्क कर सकता है, और जिसकी वजह से न्यूजीलैंड आज के टाइम में काफी वीजे जो इशू कर रही है जिससे कि लोग वहां पर जाएं, वहां पर घूमे फिरे, उनकी इकोनॉमी में कुछ फायदा हो। तो इसलिए जो न्यूजीलैंड आज के टाइम में सबसे ज्यादा जो वीजे है वो प्रोवाइड कर रहा है। अगर आपका पासपोर्ट बिल्कुल फ्रेश है तो तब भी आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके पास इंडिया में जॉब्स कर रहे हैं, आपकी सैलरी 40 to 50,000 एवरी मंथ है, आपकी जो सैलरी है आपके अकाउंट में आ रही है, तो आप न्यूजीलैंड का वीजा अप्लाई कर सकते हैं जिसमें जो मिलने के चांसेस है वो 90% है। अगर आपको न्यूजीलैंड कंट्री के रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जब वर्ल्ड की किसी कंट्री का अगर आप टूरिस्ट वीजा या स्टडी वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जरूर कॉन्टेक्ट करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।